हेलो एंड वेलकम बैक। मैं भाई एक हियरिंग एड कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टार की कंपनी की हियरिंग एड जिसका मॉडल है म्यूज IQ 1000 BTE पावर प्लस। तो इस हियरिंग एड की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इस बॉक्स में क्या क्या एसेसरीज आती है, साथ ही ये हियरिंग एड कितने डेसिबल तक हियरिंग लॉस को कवर कर सकती है, साथ ही इस हियरिंग एड की MRP कितनी है और जो स्टार की कंपनी की सस्ती हियरिंग एड है उसकी अपेक्षा इसमें क्या खासियत है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये हियरिंग एड किस तरह की दिखती है। बॉक्स ओपन करने के पहले इसके मॉडल के बारे में देख लेते हैं। तो इसका मॉडल है म्यूज IQ 1000 BTE पावर प्लस। तो अब इस हियरिंग एड के बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसके साथ में क्या क्या एसेसरीज आती है। तो इस हियरिंग एड के बॉक्स में आपको इतनी सारी एसेसरीज मिल जाती हैं। तो सबसे पहले ये आपको यूजर गाइड बुक मिलती है, इसमें हियरिंग एड के बारे में डिटेल से दिया होता है कि किस तरह से यूज करना है, किस तरह से बैटरी लगाते हैं, सारा कुछ हियरिंग एड के बारे में डिटेल से दिया होता है। इस हियरिंग एड के साथ में इंडिकेटर आते हैं जिससे कि आपको पहचानने में आसानी होती है कि ये हियरिंग एड किस कान की हियरिंग एड है, दाहिने कान की है कि या बाएँ कान की हियरिंग एड है, जिसके लिए ये इंडिकेटर आपकी हियरिंग एड में लगा दिए जाते हैं। रेड इंडिकेटर राइट ईयर के लिए होता है और ब्लू इंडिकेटर आपके लेफ्ट ईयर के लिए होता है। अब देखते हैं कि आपकी म्यूज IQ 1000 पावर प्लस हियरिंग एड किस तरह की दिखती है। तो इस बॉक्स को ओपन कर लिया और इसमें आपका ये हियरिंग एड आपकी कुछ इस तरह की दिखती है। इस हियरिंग एड में लिखा हुआ भी होता है म्यूज IQ 1000 स्टार की। तो ये हियरिंग एड आपकी म्यूज IQ 1000 पावर प्लस हियरिंग एड है। इसमें आपका एक ईयर टिप लगता है और इस ईयर टिप के माध्यम से आपके कान में आवाज़ जाती है। हियरिंग एड के साथ में एक ब्रश मिलता है। ब्रश आपको ईयर के टिप को क्लीन करने के लिए होता है, क्योंकि जब ये कान में लगता है तो कान के अंदर वैक्स मैल भर जाता है, तो वो मैल आपके ईयर टिप में भी आ जाता है, जिससे कि आप इस ब्रश के माध्यम से इस ईयर टिप को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और अगर उसकी वजह से आवाज़ रुक भी रही होगी तो ये साफ़ हो जाती है और आपको आवाज़ अच्छी सुनाई देती है। अब अगर बात करें कि ये हियरिंग एड के साथ में और क्या आता है, तो ये आपका वारंटी कार्ड हो गया। इस हियरिंग एड में 2 साल की वारंटी मिलती है। आप किसी भी ऑथराइज्ड सेंटर पर जाकर इस कार्ड के माध्यम से आप अपनी वारंटी ले सकते हैं। साथ ही अब बात कर लें कि ये हियरिंग एड कितने डेसिबल तक हियरिंग लॉस को कवर करती है। तो ये हियरिंग एड आपकी पावर प्लस हियरिंग एड है, जो कि 20 से 120 डेसिबल तक हियरिंग लॉस को कवर करती है। इस हियरिंग एड में 10 चैनल और 10 बैंड होते हैं, जिससे कि आवाज़ में भी आपको अच्छी क्लैरिटी मिलती है। साथ ही इसमें टिनाइटस से रिलीफ देने के लिए टिनाइटस फ्लेक्स का ऑप्शन होता है, जो कि नॉर्मल हियरिंग एड में नहीं होता है। इस हियरिंग एड का बैटरी डोर यहाँ से ओपन कर किया जाता है और इस हियरिंग एड में आपकी 13 नंबर की बैटरी पड़ती है। और अगर आप बात करें कि इस हियरिंग एड की MRP कितनी है, तो ये हियरिंग एड आपकी 25,000 रुपये की हियरिंग एड है, जो कि एक बहुत ही अच्छी हियरिंग एड है। अगर ये कहें कि जो नॉर्मल आपकी हियरिंग एड जो मैंने पिछली वीडियो में भी अनबॉक्सिंग किया था, स्टार की एरीज प्रो हो गया, तो उस हियरिंग एड की अपेक्षा ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें नॉइस कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है। आपको बाहर की आवाज़ें, सरसराहट वगैरह बहुत ही कम सुनाई देती हैं, या ये कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर सुनाई देती हैं। तो ये हियरिंग एड काफ़ी अच्छी हियरिंग एड है। अगर आपके कान में
प्रॉब्लम है, ज़्यादा सुनने में दिक्कत है, तो आप BT पावर प्लस हियरिंग एड ले सकते हैं। अब अगर बात करें ये हियरिंग एड क्या कान के अंदर भी लग सकती है, तो सेम मॉडल की हियरिंग एड आपकी CIC, IT, ITC हियरिंग एड भी आती हैं, लेकिन उसमें जो कवरेज है, जो आपका लॉस कवर करने की क्षमता है, वो पावर प्लस की अपेक्षा कम होती है। बाकी सेम MRP पर आपकी वो हियरिंग एड भी बन सकती है। अगर आपके कान में कम हियरिंग लॉस है या आपका हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप सेम मशीन सेम प्राइस में कान के अंदर वाले भी ले सकते हैं, या आप उस हियरिंग एड को कस्टमाइज करा सकते हैं। ये हियरिंग एड कान के पीछे लगती है, बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड है, तो इसको कस्टमाइज कराने की नीड नहीं होती है। बाकी अगर आप कान के अंदर वाली लेते हैं, तो उसके लिए आपका कान का नाप लेकर के हियरिंग एड को आपके कान के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा दिया जाता है। तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे ये हियरिंग एड किस तरह की दिखती है, इसके फीचर क्या क्या हैं, साथ ही इसकी MRP क्या है। मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। टेक